सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन को दबाए लेटेस्ट जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम गाइस, आज मैं बताऊंगा किस तरह से आप पिछले 6 ईयर की मिसिंग आईटीआर को फाइल कर सकते हैं, किस तरह से फाइल करना है इनकम टैक्स रिटर्न प्रीवियस 6 ईयर की। तो इसको दोस्तों समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक, एज लो टू डू एज लो टू डिस्कस। बट बिफोर वी बिगन, तो दोस्तों चल रहा है यहाँ पे बिग दिवाली सेल, जिसके अंदर आपको मिल जाता है पेन ड्राइव कोर्सेज पे अप टू 43% तक का डिस्काउंट। तो आप इन सभी कोर्सेज की तैयारी घर बैठे ही कर सकते हैं। तो इस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर इस वेबसाइट पे जाके विजिट कीजिए, वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे सर्कुलर नंबर 9/2015 का, जो कि बात करता है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। आप यहाँ पे कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन को फाइल करके अपनी प्रीवियस 6 ईयर की रिटर्न को आईटीआर को फाइल कर सकते हैं कि अगर आपको कोई रिफंड क्लेम है तो आप फाइल कर सकते हैं, या फिर क्लेम है कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का अंडर सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 क्लोज बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। तो आप यहां पे कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन को फाइल करके अपनी प्रीवियस 6 ईयर की आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। यहां पे गवर्नमेंट ने पावर दे रखी है सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 क्लोज बी के हिसाब से, जिसके अंदर आप कॉन्डिनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन को फाइल करके अगर आपका कोई रिफंड है, रिफंड क्लेम करना है ठीक, या फिर रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्लेम है आपका कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है या सेट ऑफ है, तो आप यहाँ पे कॉन्डिनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन को फाइल करके रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप इस सर्कुलर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करूँ ये जो एप्लीकेशन सबमिट करनी है आपको, किसको सबमिट करनी है। तो सेकंड वाले पॉइंट में यहाँ पे बताते हैं कि एप्लीकेशन जो सबमिट करेंगे वो किसको सबमिट करेंगे। द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल कमिश्नर को सबमिट करेंगे इनकम टैक्स को, या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कमिश्नर है इनकम टैक्स उसको सबमिट करेंगे। इस तरह का कोई भी आपका एप्लीकेशन है या क्लेम है, लेकिन यहाँ पे जो लिमिट बताई है अमाउंट की, नॉट मोर देन 10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी एक असेसमेंट ईयर में। अगर मान लीजिए आपका रिफंड 10 लाख से ज़्यादा है, या फिर आपका जो लॉसेस है, जो आपका कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है 10 लाख से ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट या रिजेक्शन की पावर 10 लाख से ज़्यादा की नहीं रख सकता, 10 लाख से ज़्यादा तक के वो नहीं कर सकता। और दोस्तों अगर आपका क्लेम 10 लाख से ज़्यादा है, ध्यान से समझना दोस्तों क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, अगर आपका क्लेम या कैरी फॉरवर्ड लॉसेस 10 लाख से ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को पावर दी गई है कि अगर अमाउंट 10 लाख से एक्सीड करता है लेकिन 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो वो यहाँ पे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, अगर इस तरह का कोई भी क्लेम है या एप्लीकेशन है। लेकिन अगर अमाउंट 50 लाख से एक्सीड कर जाता है, तो उस केस में बोर्ड के पास पावर है कि इस मैटर को वो कंसीडर करेगा। अगले पॉइंट में बात करें, तीसरे पॉइंट में यहाँ पे ये कहते हैं कि कॉन्डोनेशन ऑफ एप्लीकेशन जो फाइल होगी प्रीवियस 6 ईयर तक ही फाइल कर सकते हैं, उससे और पीछे की आप रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। और दोस्तों यहाँ पे जो आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे उसका निपटारा किया जाएगा विद इन 6 मंथ, जब वो एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, ठीक है, जल्द से जल्द। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ कंडीशंस की, जो आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे इसके अंदर कुछ कंडीशन है। पहले पॉइंट में है, इनकम जो है एसएससी की वो एसेसिबल नहीं होना चाहिए किसी दूसरे पर्सन के हैंड्स के अंदर अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। और यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो एडमिशिबल नहीं होगा अगर ब्लेटेड रिफंड आप क्लेम कर रहे हैं, आपको जो रिफंड पे इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगला, रिफंड जो है अगर अराइज हुआ है, मतलब रिफंड जो बना है आपका एक्सेस टैक्स डिडक्शन की वजह से, या एक्सेस टैक्स कलेक्शन की वजह से, या फिर एक्सेस आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया है, या एक्सेस आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दिया है, उस प्रोविजन के हिसाब से आप यहाँ पे कॉन्डेनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। ये फॉलोइंग कंडीशन है दोस्तों, तो ये फॉलोइंग कंडीशन अगर फुलफिल करते हैं तो आपका यहाँ पे कॉन्डेनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया जाएगा, उस हिसाब से आप यहाँ पे आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। कॉन्डेनेशन ऑफ डिले की आईटीआर को किस तरह से फाइल करेंगे वो भी मैं आपके सामने लाइव लेके आऊंगा अपने आने वाली वीडियोस के अंदर। तो ये था कॉन्डेनेशन ऑफ डिले, जिसके अंदर आप प्रीवियस 6 ईयर की आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, मन में जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करते हैं मुझे खुशी मिलती है और मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लाता हूं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।